अस्सलाम वालेकुम ग्रेड टू, दिस इज़ मिस नाजिया तौहीद एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर यूनिट फोर, दैट इज़ रूट्स। एज़ यू ऑल नो दैट रूट्स आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ आ प्लांट। इट वी कैन नॉट सी द रूट्स, इट इज़ एक्चुअली इनसाइड द ग्राउंड। ये ज़मीन के अंदर होती हैं रूट्स, एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ये एक रियल पिक्चर है किसी ट्री की, एक बिग ट्री की। आप देख रहे हैं इसके रूट किस कदर स्ट्रॉन्ग और किस कदर फैले हुए हैं ज़मीन के अंदर, इसलिए क्योंकि रूट ज़मीन से सॉइल एंड मिनरल्स को सक करते हैं और पूरे प्लांट तक पहुंचाते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। रूट्स ग्रो इन द सॉइल। रूट्स सॉइल के अंदर होते हैं, यानी जो ज़मीन होती है उसके अंदर उगती हैं। रूट्स आर, रूट ग्रोज इन द सॉइल। रूट्स ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं। इट सक्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि ये ज़मीन से वाटर और मिनरल को सक करती हैं ताकि उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुँचा सकें। इट स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट, ये प्लांट के लिए फूड स्टोर करती है अपने अंदर। इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, और ये प्लांट को ज़मीन के अंदर टिके रहने में मदद करती है, बने रहने में मदद करती है। कैसे? जितनी स्ट्रॉन्ग रूट होगी, प्लांट क्यों सीधा खड़ा हुआ होता है, वो उस वक्त तक खड़ा नहीं हो सकता जब उसको नीचे से सॉइल के अंदर रूट्स ने स्ट्रॉन्गली होल्ड ना करके रखा हुआ हो। तो रूट्स क्या करती हैं, रूट्स प्लांट को फिक्स करती हैं सॉइल के अंदर, इन द सॉइल। सम रूट्स आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग, दे ग्रो डीप इन द सॉइल। कुछ रूट्स बहुत ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और वो ज़मीन के अंदर बहुत गहरी गई हुई होती हैं। जितनी ज़्यादा, जितना टॉल ट्री होगा उतनी ज़्यादा उसकी रूट स्ट्रॉन्ग और डीप होगी, तभी वो उस ट्री को, उस टॉल ट्री को स्टैंड रहने में मदद कर सकती है। सम रूट्स आर थिन एंड वीक, दे डू नॉट ग्रो वेरी डीप इन द सॉइल। कुछ रूट्स बहुत ज़्यादा पतली और वीक होती हैं, बहुत थिन और वीक होती हैं, और वो ज़मीन के अंदर बहुत गहरी भी नहीं जाती, क्योंकि जाहिर सी बात है जब रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो वो प्लांट भी बहुत ज़्यादा बिग नहीं होगा। काइंड्स ऑफ रूट्स, नाउ वी हैव सम काइंड्स ऑफ रूट्स। सम रूट्स हैव वन बिग पार्ट विच इज़ थिक। कुछ रूट्स के सिर्फ एक पार्ट होते हैं जो कि बहुत मोटे होते हैं। दिस थिक रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट। जो मोटे पार्ट वाले रूट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, टैप रूट। अ टैप रूट हैज़ मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट। अ टैप रूट स्टोर्स अ लॉट ऑफ फूड। जो टैप रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फूड को स्टोर कर लेती हैं अपने अंदर। जैसे कि ये आपको रूट्स नज़र आ रही हैं, ये थिक रूट्स, ये टैप रूट्स की एग्जांपल है, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी थिक होती हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड प्लांट के लिए स्टोर हो जाता है। सम रूट्स हैव मैनी ब्रांचेस ऑफ द सेम साइज। दीज रूट्स आर कॉल्ड फाइबरस रूट। दे डू नॉट स्टोर मच फूड। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो जिनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इन रूट्स को क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक नहीं होती तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड भी स्टोर नहीं होता है प्लांट के लिए। ऑल रूट्स हैव वेरी फाइन हेयर ऑन देम। तमाम रूट्स के ऊपर बहुत फाइन हेयर होते हैं। दीज आर कॉल्ड रूट हेयर। जो जितनी भी रूट्स होती हैं, ये देखें ये सब क्या है, ये रूट्स हैं। ये जितनी भी रूट्स होती हैं इनके छोटे छोटे फाइन हेयर होते हैं, इनको क्या कहते हैं, रूट हेयर। रूट हेयर सक्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं इनका क्या काम होता है कि सॉइल में से वाटर और मिनरल को सक करके रूट में पहुंचाती हैं, और फिर रूट के थ्रू वो तमाम वाटर और मिनरल प्लांट में जा रहा होता है। अ बीट हैज़ अ टैप रूट। जो बीट होती है उसकी रूट क्या होती है, टैप रूट होती है। इसके अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रूट होती है, इसलिए टैप रूट है। इट इज़ अ काइंड ऑफ टैप रूट। द टिप ऑफ द रूट हैज़ अ रूट कैप। तमाम रूट्स के टिप पर, यानी ऊपर, एक कैप नुमा चीज़ होती है। द रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट टिप। ये रूट कैप क्या होती है, ये टिप को प्रोटेक्ट करती है टूटने से, यानी ज़ाया होने से, इस रूट को टूटने से बचाती है और इसको प्रोटेक्ट करके रूट कैप स्ट्रॉन्ग बना के रखती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर क्लास रूट। रूट्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं,
बहुत से रूट्स को हम खाते हैं, बहुत से वेजिटेबल्स को हम खाते हैं। अभी मैं आपको एक्सरसाइज जब कराऊंगी तब आप देखेंगे कि हम बहुत से रूट्स को भी खा रहे होते हैं और बहुत से वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं। कुछ रूट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम रूट्स खा रहे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम लीव्स खा रहे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम फ्लावर्स खा रहे होते हैं। ये एक्सरसाइज मैं अभी आपको आगे कराऊंगी। ये है आपका चैप्टर रूट, जिसको आपको बार बार पढ़ना है। हमने पढ़ा कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स वो होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर उगते हैं। प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के अंदर उगता है उसको रूट्स कहते हैं। ये बहुत थिक और स्ट्रांग होते हैं। जितना टॉल और बिग प्लांट होगा उतनी ही उसकी उतनी ही उसके रूट स्ट्रांग और थिक होगी। और जो कुछ उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ी, टाइप ऑफ रूट पढ़ी कि रूट के किस तरह की टाइप्स होती हैं। कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो बहुत थिक और स्ट्रांग होती हैं, उनको रूट टैप रूट कहते हैं। और कुछ ऐसी रूट्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और थिक नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा फूड भी स्टोर नहीं कर सकती, उनको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रूट हेयर के बारे में कि तमाम रूट्स पे जितने भी प्लांट्स होते हैं, चाहे वो फाइब्रस रूट हो या टैप रूट हो, उन रूट्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उनको रूट हेयर कहा जाता है। और रूट्स के एंड में उनके टिप पर एक रूट कैप भी मौजूद होती है जो कि किसी भी रूट को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो स्ट्रांग रह सके, टूट ना सके। नाउ कम टू द एक्टिविटी पेज, फिल इन द ब्लैंक। अ रूट ग्रोज इन द डैश, अ रूट ग्रोज इन द सॉइल। अ रूट स्टोर्स डैश फॉर द प्लांट। रूट क्या करती है प्लांट के लिए? फूड स्टोर करती है। सम रूट्स आर डैश एंड वीक। जो रूट्स वीक होती हैं वो क्या होती हैं? थिन भी होती हैं। अ थिक रूट इज कॉल्ड टैप रूट। वो रूट जो बहुत थिक होती है और स्ट्रांग होती है उसको क्या कहते हैं? टिप रूट कहते हैं। डैश रूट्स डू नॉट स्टोर मच फूड। कौन सी रूट बहुत ज़्यादा फूड स्टोर नहीं करता? फाइब्रस रूट। ये यू हैव टू डू दिस वर्क बाई योर सेल्फ इन द ब्लैंक्स इन द बुक। उसके बाद ये यहाँ पर ड्रॉ करने हैं आपको दोनों टाइप के रूट्स, एक तरफ आपको फाइब्रस रूट ड्रॉ करना है और एक तरफ आपको टैप रूट ड्रॉ करना है। दिस इज़ अप टू यू, ये आपकी चॉइस पे। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। वॉट इज़ द वर्क ऑफ, इसके बाद आपके पास नई एक्सरसाइज है कि क्या काम होता है। द रूट हेयर्स, रूट हेयर का क्या काम होता है? द रूट हेयर सक्स मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर का ये काम होता है। द रूट कैप, रूट कैप का क्या काम होता है? द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप। रूट के टिप को प्रोटेक्ट करती है, सॉरी व्हाट द रूट कैप, रूट कैप का क्या काम होता है कि वो रूट की टिप को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये हैं इसकी एक्टिविटीज़ जो कि आपको आज करनी है। यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन एटलीस्ट 2 or 3 times। इट विल हेल्प यू टू सॉल्व दीज एक्सरसाइज बाई योर सेल्फ। दिस इज़ योर वर्क फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।